चेतक कैसेट्स। जावे है तो मां भवानी बारो सत जांच ले रे वास्ते सामने बाटनो रूपणा राजा वे है और फूट फोर खड़ी हो जावे है तो राजा उदयादित्य मां भवानी ने काई कहण लागा।
दी बोलिया के औरा दिना ए सकिया औरा दिना में जद भी आतो तो सामने मुंडो कर और मारे सु बात करती और आज फूट फेर किया खड़ी होएगी। तो मां जगदम्बा राजा उदयदीप ने केवण लाग्या कि राजा अगर साची बात बतावा तो थारो डर लागे क्योंकि थे राजा हो। तो मां जगदम्बा राजा उदयदीप ने फिर काई केवण लाग्या
मैं थाने वचन दिया कि जो भी बात है थे माने बताओ तो राजा उद्यदीप वाचा देवे है। चाहो वो माने मंजूर है, ई बात पर थाने कोई किसी प्रकार से दंड कोनी मिले, ते नी संकोच होए और माने बात बताओ तो माँ जगदम्बा राजा उदयदीप ने काई केवन लगा है कि हे राजा कोई मर्द हुए तो बात करा।
टावर तारे कोनियोरा हो तेरे मुंडे पर राजा रे दाढ़ी मूंछा कोनी रे राजा दाढ़ी मूंछा कोनी रे राजा दाढ़ी मूंछा बतावे है कि हे राजा थारे मुंडे पर दाढ़ी मूछ कोनी और मैला माई टाबर थारे कोनी राजा हे राजा तू निपुत्र है नी संतान है और थारा दर्शन सुबह पहली जे हो जे तो खोटा है। अब मैया राजा ने काई कहण लाग्या है
तो राजा मारे धंधा पर चाली और थारे मुंह देखे को धर्म को नी राजा कि राजा तू निपुत्र है और सुबह पहली मैं तारा दर्शन को नी करनो चाहूं। मैं मारे धंधे पर जानी चाहूं ई वास्ते फुट फोर खड़ी होगी। अब राजा उदयदीप मैया ने पूछने लगा है कि मैया आज तक ई संसार में आए कोई गलत काम को नहीं करियो, कोई प्राणी ने नहीं सतायो, फिर भी ओ मारो दुख क्यों है। तो माँ भवानी राजा ने भगवान शंकर की तपस्या करने वास्ते बतावे। तो राजा जंगल रे माए घोर तपस्या करे है तो शंकर भगवान प्रसन्न होए, राजा ने पुत्र प्राप्ति रो वरदान देवे है। तो राजा रे घर पुत्र प्राप्ति होवे है जीरो नाम जगदेव राखे है। तो जगदेव ने राजा उदयदीप री दूसरी रानी 12 साला रो देश निकालो दे देवे। तो जगदेव राजा जयचंद के दरबार जाए नौकरी लाग जावे है, पहरेदार बन जावे। अब एक दिन जगदेव राजा जयचंद ने नहाऊ तो देखे है तो छाती रे माए गेरो खाडो पड़ियो है राजा रे। अब जगदेव राजा जयचंद ने पूछने लग्या कि राजा थारे कोई चीज री कमी कोनी, चारों तरफ से फाट बाट है, पांचों आंगड़ा घीमे है, फिर भी वो थारी छाती रे माए खाडो किया है। तो जगदेव काई केवण लाग्यो राजा ने
राजा ने पूछे के हे राजा थारे अन्न भी घनेरो और धन भी घनेरो है, कोई चीज री कमी कोनी, पर थारी छाती रे बीच खाडो किया बढ़ गयो, थारे काई प्रकार रो दुख है। तो राजा ने जगदेव री बात सुन री साजावे, क्योंक जगदेव तो राजा रो नौकर हो और वो इतनी बड़ी बात पूछ लेवे है। तो राजा जयचंद पाछा काई केवण लागे है, समझो मैं भीखो काटने रे वास्ते थारे दरबार में नौकरी कर रहे हूं। तो काई बतावे
मने कमसल को जायो मती समझ, तू मने एरो गेरो मती समझे। मैं उद्यादीप को लड़को साची बताया राजा दुख थारो मेटू। तू जकी गद्दी पर बैठे भी गद्दी पर मारो बाप बैठे हैं। अब मैं भीखो काटने रे वास्ते आयोड़ो हूं, मने 12 वर्षा को बनवास है। अति सुन राजा रे मन में विश्वास होवे तो राजा जयचंद आप रो दुख बतावण लगा है। जगदेव ने बतावे के आधी आधी रात ने भैरू राक्षस आवे है और मैला माई धूम मचावे और डोलिये रो पागो मारी छाती पर मेले राजा और मारी रानी सागे चौपड़ पासा खेले। जगदेव बोलियो ठीक है परंतु राजा आज की रात एकदम निर्भय होर सो जाओ, कोई भैरू आवे
चाहे कोई आवे, मैं अपने आप देख ले सू राजा। जगदेव बोलियो कि आज की रात राजा निर्भय सो जा, और मारी आशा है कि आज रे बाद हाकने कदे भेरू कोनी आवे। आज ही तो साब तो कोनी छोड़ू और डोलियर और पेरो देशु राजा। राजा जयचंद बोलिया, बी के सामने छोटो सो लागे रे, थाने मरोड़ गयो तो थारो पत्तो ही कोनी चांस। अब आधी रात आवे है और काई बात बने हैं। See you.
भैरू राक्षस आयो और जगदेव सांकल भी की खेची। जगदेव भैरू ने पकड़े है और आपको गोडो भैरू की छाती में लगाए और भैरू को बायो गोडो तोड़े, तो भैरू बटे सु जोर सु चिल्लार भागे और माँ जगदम्बा कने जार पुकार करे।
करो तो मैया कने आवे और बतावे के राजा जयचंद को दोड्या को नौकर कहिजे और नाम है भी को जगदेव। तो सुनता ही मैया मन में विचार करे, बोली भैरू कोई भाई है, आपनो ही लड़को है, वो ही तोड़ सके, बाकी भैरू को गोडो कुण तोड़ सके है। भैरू कहवे माँ वो कुण है कुण नहीं है, मने साची साची बता, क्यों भैरू के शंका हो जावे के आपनो गोडो तोड़नियो पैदा कुण हो गयो। तो माँ जगदम्बा भैरू ने काहे बतावे है, पहली रोटी खाऊं ने कोई पानी पीऊं। तो मां तने जगदेव को शीश लेनो पड़सी। तो मां जगदम्बा मन में विचार करियो, भैरू जिद्दी है माने कोनी, तो मां भैरू ने काई केवे, thank you।
भैरू और माँ भवानी राजा जयचंद के दरबार में जावे, जगदेव को शीश लावे और भैरू की प्रतिज्ञा पूरी करें।